दोस्तों आज की कहानी है बहू तुम्हारी इज्जत क्या मेरी इज्जत से अलग है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सरिता को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। मम्मी जी के मायके से पूरा परिवार उसे मिलना आ रहा था। वैसे शादी में सभी से मिलना हुआ था लेकिन मेहमानों की भीड़ में सभी से अच्छे से जान पहचान नहीं हो पाई। वीकेंड पर सभी ने एक साथ आने का प्लान बनाया। वैसे तो रात में ही सास रीमा जी ने खाने की आधी तैयारी कर दी थी लेकिन सुबह जब वह उठी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सरिता ने उन्हें आराम करने को कहा और खुद ही किचन में मोर्चा संभाल लिया। लेकिन आज से पहले कभी इतने ज़्यादा लोगों का उसने खाना नहीं बनाया था। मायके में उसे मिलाकर बस 7 लोग थे और वहाँ भी अधिकतर मम्मी ही खाना बनाती थी। सरिता अभी सोच ही रही थी कि उसे रीमा जी की आवाज़ आई। बहू क्या हुआ, तू इतनी डरी हुई क्यों खड़ी है। मम्मी जी मैंने आपसे बोल तो दिया कि मैं बना दूंगी लेकिन इतने लोगों का खाना मैंने कभी नहीं बनाया। सरिता ने डरते हुए अपना डर बताया। बस इतनी सी बात में अगर बताती जाऊँ तो कर लोगी, रीमा जी ने प्यार से पूछा। हाँ मम्मी जी, सरिता खुश हो गई और वह जल्दी से रीमा जी को एक कुर्सी पर बैठा देती हैं। फिर क्या, रीमा जी के साथ मिलकर सरिता ने छोले टिक्का पनीर मसाला मिक्स वेज पुलाव दही बड़े और कस्टर्ड बना डाला। पूरी का आटा तैयार करके थोड़ी सी पूरियां सान ली। खाना बनाने के साथ ही रीमा जी सरिता से उसकी पसंद नापसंद पूछती जा रही थी और सरिता जी भी रीमा जी से परिवार के लोगों की पसंद और नापसंद समझ रही थी। विकास के बचपन की शैतानियों को सुनकर सरिता खूब हंस रही थी। सब खाना बनने के बाद रीमा जी ने सरिता को अच्छे से तैयार होने को कहा और खुद अपने कमरे में आराम करने चली गई। नियत समय पर नानी जी और उनका परिवार आ गए और फिर सभी ने एक साथ खाना खाया। सभी ने खाने की बहुत तारीफ की। रीमा जी ने ऐसे दिखाया कि पूरा खाना उनकी लाडली बहू सरिता जी ने ही बनाया। सबके साथ वह भी दिल खोलकर खाने की तारीफ कर रही थी। सब एक साथ उनके कई तारीफ में और तारीफ जोड़ने लगे। अब तो महीने में बार हम सभी सरिता बहू रानी के हाथ का खाना खाना यही आएंगे। मामा ससुर जी सटकारे लेकर बोले, हाँ भाभी ने टीका पनीर और दही बड़े तो बहुत ही लजीज बनाया। आत्मा तृप्त हो गई। देवर क्यों पीछे रहते तारीफ करने में। अपनी इतनी तारीफ सुनकर सरिता को थोड़ा बुरा लगने लगा। वह लोगों को बताने लगी, अरे वो मम्मी ने क्या, मम्मी ने, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। रीमा जी ने दूसरी बार सेड़ कर वीर से बदल दिया और उसकी नज़र बसा कर सरिता को आँखें की शुभ रहो। खाना खाने के बाद सभी ने सरिता को नेक के साथ खूब आशीर्वाद दिया। रीमा तेरी बहू अन्नपूर्णा आज इसने खाने के साथ अपने व्यवहार से हम सबका दिल भी जीत लिया बहुत खुश नसीब है। तो सबके जाने के बाद सरिता रीमा जी के गले लग गई। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप मिली। आज आपने सबके सामने मेरा मान बढ़ा दिया। आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि ये सब मैंने आपके सहयोग से सब बनाया। ऐसा क्यों कर रही है बहू, तुम्हारी इज्जत क्या मेरी इज्जत से अलग है। मैं चाहती थी कि सबको लगे कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। सबकी आंखों में तुम्हारे लिए तारीफ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ही तारीफ हो रही है। आज नहीं तो कल तुम सब कुछ अच्छे से बना नसीब ही जाओगी। रीमा जी ने सरिता के गाल को प्यार से थपथपा कर कहा और फिर उसे गले लगा लिया।
सास अगर ऐसे ही बहू की गलती को ढक कर प्यार से उसे समझाए तो बहू के दिल में भी सास का खौफ कम और इज्जत बढ़ जाती।